हाय वेलकम बैक नेत्रा फैशन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बाहर जाना है और किसी कारण से, जैसे मैंने अभी ग्रीन ड्रेस पहनी है और मेरे पास सिर्फ एक सेट है, तो ये देखिए, ये मैंने मीशो ऐप से मंगवाया था, कुछ इस तरीके से है ये। और अगर आप चाहें तो आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मेरे पास कुछ इस तरीके सा सेट है ये। तो इसमें अगर आप चाहें तो आप ये देखिए, इसमें ग्रीन कलर भी है, रेड भी है, पिंक भी है और येलो भी है। अगर आपने येलो ड्रेस पहनी है तो आप येलो कलर की प्लेन चूड़ी के साथ इसे कर सकते हैं, पिंक पहना है तो पिंक कलर के साथ इसको कर सकते हैं, और अगर आपने बॉटल ग्रीन, जैसे ये देख रहे हैं पत्ती ग्रीन वाला सॉरी, पहना है तो इस तरीके से कर सकते हो, अगर रेड पहना है तो भी कर सकते हो, अगर आप चाहें तो गोल्डन भी कर सकते हैं इसके साथ में। तो ये है, और कुछ इसी तरीके से ये देखिए, मैंने ये चूड़ियाँ पहनी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मेरी चूड़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो और ये मेरे बैंगल्स आपको कैसे लगे। तो ये देखिए, मेरे पास ये प्लेन चूड़ियाँ है और ये मैंने सिंपल लोकल मार्केट से ली थी, और ये मैंने मुझे 50 रुपये की 24 चूड़ी पड़ी थी ये। और ये जो रेट है ये आपको जगह के हिसाब से अलग अलग रेट में मिल सकती है, तो ठीक है, इसे किस तरीके से मैच करना है। तो ये देखिए, हमारे पास ये सेट है, ठीक। तो इसमें हम, मेरे पास 24 चूड़ी है, अगर आपके पास जैसी भी हो आप वो ले सकते हैं। तो देखिए, तीन चूड़ी को हम ये लेंगे, और ये सिंपल बेसिक तरीका है, ये आप सब लोगों को आता होगा। मैंने ग्रीन ड्रेस पहनी है तो मैंने ग्रीन प्लेन चूड़ियाँ ली है, उस तरीके से सेकंड चूड़ी ली, उसके बाद हमें ये बेंगल्स लेना है। अगर आप चाहें तो आप पिंक, अगर ड्रेस पहन रहे हैं तो पिंक कलर की लीजिए, येल्लो पहन रहे हैं तो येल्लो लीजिए, फिर अगर आपने रेड पहनी तो रेड लीजिए, ग्रीन पहनी तो ग्रीन लीजिए, इस तरीके से इसमें आपको चार कलर मिलते हैं, और अगर आप चाहें तो गोल्डन भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर से तीन चूड़ियों का जो सेट है इस तरीके से यहाँ भी लगाएंगे, ये आई होप आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद इस तरीके से। और ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, कई को आता होगा और कुछ को नहीं भी आता है, तो जिन्हें आता है उन्हें बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा सिंपल सेट तैयार हुआ है ये। तो बस ये आज का वीडियो मेरा इतना ही था। तो ये देखिए, इस तरीके से आप सभी तरीके का चूड़ी का अपने सेट बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।